जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं आज उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला, इसके बाद फिर बिहार शुरू हो जाता है लगभग 8 किलोमीटर के आसपास, देवरिया में। खूबसूरत जिला है, खूबसूरत लोग हैं, आए तो कई बार हैं लेकिन यहां पे इस क्षेत्र में मीटिंग पहली बार हो रही है। यहां हमारे एक मित्र हैं मनोज जी, एक्चुअली हम यहां से निकल रहे थे, मीटिंग का कोई प्रोग्राम था नहीं, तो बीच में उनसे बातचीत हुआ, उन्होंने कहा कि भैया खाना भी खाइए और आकर के थोड़ा सा जो भी दो चार लोग हैं उनसे ज़रा बात कीजिए, तो काफ़ी लोग इच्छुक भी हैं। और ये जो आपको पीछे लोग दिख रहे हैं एक्चुअल में ये दो चार नहीं हैं, ये दो चार गांव हैं अपने आप में, और विचारधारा फैलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हुजूम की ज़रूरत नहीं होती है, बस कुछ एक लोग करने वाले मिल जाएँ उसी से आपकी विचारधारा फैलती है। किसान कार्यशाला को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो सुझाव होते हैं वो आप हमारे नंबर पर ही भेज सकते हैं, जैसे मेरा नंबर है 7017414671। और कोई सुझाव है तो आप हमारे ऑफिस के नंबर 7541075410 7899 78999 इस नंबर पर भेज सकते हैं। इसको राज कपूर जी उठाएंगे और ऑफिस में भी और कोई भी उठा सकता है। ये दो नंबर हैं आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए। आपके सुझाव हमें अवश्य दें, वीडियो में हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, हम क्या और बेहतर बना सकते हैं, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पे और बात करनी है, हम और क्या बेहतर कर सकते हैं या अच्छा कर रहे हैं, जो भी आपके सुझाव हों एक शालीन शब्दों में आप हमारे साथ रख सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपकी बात को सर माथे पे रख के और उसको जो है अपने जीवन में और अपनी व्यवहारिकता में शामिल करेंगे। काफ़ी कुछ सुधारा है अपने अंदर और धीरे धीरे प्रयास जारी है। आप लोग इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रजनों को, अपने आसपास के किसानों को इसको जरूर भेजिएगा। मैं एक छोटा सा परिचय कराता हूँ, उसके बाद फिर हम किसानों की समस्याएं, इस क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं उस पर बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। आइए राम राम जी। राम आपका परिचय जी। मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं देवरिया जिले के भाटपरानी ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ। ये तहसील कौन सा पड़ता है? तहसील भाटपरानी है। भाटपारा जी, भाटपरानी। भाटपरानी? हाँ, भाटपरानी। यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन भी है और वही तहसील भी हम लोगों का। बहुत बढ़िया। और पास में बिहार आ जाता है? पास में सटे बिहार आ जाता है, और बिहार में सटे गोपालगंज और सिवान दोनों जिला यहाँ से। हाँ, नदी कुशीनगर के सामने से प्रवेश चंपारण है ना जी। उधर तो नदी में मैं केला देखने गया था तो उधर चंपारण था, काली नदी। और इधर भी ये अपना जी ये था जब उनके यहाँ पे गए थे, मिश्रा जी के यहाँ पे गए तो थे आप? जी मैं भी था। आपका परिचय भैया? विनय कुमार मिश्रा, मैं देवरिया जिला से हूँ और सलेमपुर तहसील से बिलोंग करता हूँ। मैं भी खेती किसानी में नया हूँ, लेकिन ऐसे किसान चाहिए मेरे को, इंजीनियर भाई, लेकिन बचपन से खेती में रुचि रही है जिसके वजह से नौकरी के साथ साथ मैं प्रयास करता हूँ। आप अभी वर्तमान में किस जॉब में हैं? मैं एक IT सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी सेल देखता हूँ जी, और जो कि USA की कंपनी है और मैं मैनेजर पद पर कार्यरत हूँ उसमें। बहुत बढ़िया। तो इंटर पास आदमी कैसे पसंद आया? बस सेम थिंकिंग होने की वजह से, क्योंकि बचपन में थोड़ा सा खेती किया था तो कहीं ना कहीं लगाव। से लगभग बिना भाई कब से जुड़े? 2 साल करीब करीब होने जा रहे हैं, जो कि बस हम लोग फोन पर बात करते थे। इतने समय में कभी हमने ऐसी कुछ कोशिश की आपको कुछ बेचने की या किसी विचारधारा फैलाने की? नहीं 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 नहीं, हम लोग जो भी बात किए मैं अपने। कितना पौधा लगाते हैं आप? पौधा लगाने की तो स्टोरी अलग है, लेकिन वर्तमान में मेरे पास पौधा ऑलमोस्ट 25,000 से ऊपर है जी, केले का। इतने बड़े किसान होने के बावजूद कभी मैंने आपको लालायित करने की कोशिश की? नहीं, इनफैक्ट मेरे खेती का यील्ड जो है कि काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन था, जो कि अंडर परफॉर्मेंस कर सकते हैं मेरा क्रॉप्स कर रहा था, जो कि मनोज भैया बहुत अच्छे से जानते हैं जी जी। और मेरा खेती में आने का मेन पर्पज ये था कि मैं कोविड के पहले USA था जी। अच्छा। और USA से जब मैं आया, इनफैक्ट मुझे फैमिली के साथ शिफ्ट होना था USA, लेकिन कोविड हिट हुआ, इमिग्रेशन शटडाउन हुई, राम जी की इच्छा थी और मैं जा नहीं पाया जी। तो मेरा ये था कि सेविंग कहीं ना कहीं मेरी मैच कराई जाए जी, जो वहाँ USA में होती। नमस्ते, आइए बैठिए जी। तो उस प्रयास में मैंने खेती में जी आया जी। जैसे आपने बोला ना कि आप भी स्टार्ट किए थे तो 2-3 पार्टनर थे, धोखे मिले, सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, ये सारी चीज़ें हुई, और अभी मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ और काफ़ी खुश हूँ इस फील्ड में। बहुत बढ़िया। बाकी मेरे सवाल हमारे साथ मजा आ रहा है? हाँ, जरूर जरूर।
बाकी और किसान से परिचय किया जाए और सवाल जवाब के हिसाब से हम लोग जी करेंगे। आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुशवाहा। राजेंद्र कुशवाहा जी, आप किस चीज़ की खेती करते हैं? सब्जी की खेती करते हैं। अरे विशेष स्तर के गन्ना की खेती करते हैं। बहुत बढ़िया। एक साल में कितना कमा रहे एकड़ से? एकड़ से वही 125,000। एकड़ से 125,000 गन्ने में 125,000 मिल जाता है जी? अरे वाह। एकड़ एकड़ कितना यील्ड आ रहा है? लमसम 12-8 एकड़ गन्ना है। नहीं, एक एकड़ से बात करना, एक एकड़ से 1.5 बीघा से कितना कमा रहे हैं? 1.5 बीघा से समझ लीजिए 400 से 350 क्विंटल तक निकल रहा है। तो कितना हुआ लागत वगैरह निकाल के? वही पड़ रहा है लगभग एकड़ 1.5 बीघे का 30,000-40,000 अगर पूरा टोटल खर्चा निकाल के तो। हाँ, 30,000 रुपया तक। वो यहाँ से लेके बिजनौर तक सेम है, 75 जिलों में गणित सेम है। ठीक है, वो हम भी डर गए थे 125,000 सुन के। वो 125,000 आप वो गणित कुछ और बता रहे होंगे, तो चलो बढ़िया। उसमें दोहरी भी खेती होती है। हाँ, और भी चीज़ें हैं, अभी इस पर बात करेंगे। नमस्ते जी। हमारा आपका शुभ नाम क्या है? नथन कुशवाहा नाम है जी। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? अभी करते हैं या बच्चे करते हैं? अरे बच्चे करते हैं, हम पुराने जमाने के किए हैं। पुराने जमाने के तो और बढ़िया थे। अरे आजकल तो फोल्डिंग हो जाए। खाद पानी का खेती होती थी तो कम पैदावार होता था, रोग व्याधि कम लगता था। अब ज्यादा खाद डालने से रोग व्याधि भी बढ़ गया। रोग व्याधि बढ़ रहा है, पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है और उत्पादन अभी पहले की तरह आने लगा। हाँ, वही बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आपका क्या नाम है अंकल जी? जी गंगा प्रसाद। अच्छा, आप की खेती करते हैं? केले की खेती करते हैं। अरे वाह, ये तो हमारे वाले हैं, हम भी केले वाले हैं। लेकिन मैं बीज में ठगा गया। अच्छा, कैसे? जहाँ से बीज ली वही ठग दिया। अरे बाप रे, बहुत नुकसान गया हमारा। ओहो, मेहनत पर मेरा मजदूरी आया। अगर बीज देखो, मेरा मानना एक चीज़ है, अगर किसान से कोई ठगी करेगा तो उसको ऊपर वाला बख्शता नहीं होगा। किसान और जवान और एक साधु और एक महिला और एक जो किन्नर होते हैं, ये 4-5 लोगों से कभी ठगी मत करो, इसका भुगतना पड़ेगा। ठगी कर दिया मैंने, बहुत मेहनत। हमसे फौजियों से भी बहुत ठगी होता है। दुकान वाला उधर बोलता है 40 रुपये किलो, हमें बोलता है 60 रुपये किलो, क्योंकि बाहर की दुनिया का ज्ञान होता नहीं है। पैसे की बात नहीं थी, बीज के लिए हमको धोखा दे दिया। बीज भी धोखा दिया और फिर वो भावनाएं होती है ना, खेत से आदमी की उम्मीद होती है। बहुत मैंने उम्मीद किया, बहुत मेहनत किया, तो मेरा पूंजी और मजदूरी दोनों आ गया। चिंता मत करो, ऊपर वाला ना वो उसका निकालेगा। निकल गया, लेकिन उससे भी बात किए हम जी कि मेरे साथ धोखा किया आपने, तो बोला कि कोरोना का चल रहा था, ओरिजिनल बीज आपको नहीं दे पाई है। अरे तो नकली देगा तू भाई? तो हमने कहा कि नकली देना है तो क्यों नहीं बताया? बता के देते। 3 बरस उसको रखे थे जी। 3 बरस के बाद हमारा जो है अकेला इस साल समाप्त हुआ है जी। इस साल बीज लेना है, नकली नहीं लगाना है, कभी भी ओरिजिनल चीज लगाओ। नकली लगाएंगे तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। सच में किसान के पास है क्या? वो वैसे ही नंगा है, हम तो वैसे कर्ज में दबे हुए हैं। कृषि कार्ड हमारे सर पे बैठा है, देने के हमारे पास पैसे नहीं है। ये स्थिति कोई नहीं, अभी आपको आप हमारे साथ आओ, आपका सारा कर्ज मुक्त हो जाएगा मामला। हाँ बेटा, नाम बताओ अपना। गोल्डन कुमार मदेसिया। अरे वाह, क्या करते हो? दुकान खोले हैं। बहुत बढ़िया, किस चीज़ का? मिठाई का। अरे वाह, कौन कौन सी मिठाई बनाते हो? सब चीज़ बनता है। बनाते हो या बनवाते हो? बनाते भी हैं, बनवाते भी हैं। बहुत बढ़िया, फिर की बात इतनी करते बुलेट पर बैठ के? बुलेट पर तो घूमते नहीं, जब मिठाई ना चल रहा है हम बुलेट पर घूमेंगे? नहीं, काउंटर पर बैठे रहते हैं। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। हेलो, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, क्या बात है, चौधरी होते हैं? अच्छा, गुड, हम भी चौधरी हैं। तो आप किस चीज़ का खेती करते हैं? हम तो केवल गन्ना का ही खेती करते हैं। गन्ने का खेती करते हैं। कितना गन्ना है अपने पास? बस 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ क्या उत्पादन आ रहा है लगभग? 400-350 क्विंटल आ रहा है। 350? बहुत बढ़िया है, 350 खराब नहीं है, 350 काफ़ी होता है, कम नहीं होता है। तो चाहेंगे जरूर कि रसायन कम हो, उत्पादन 500+ जाए, यह हर एक की इच्छा है। तो कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको आज, जिससे आपका खर्च तो हो जाएगा कम और उत्पादन हो जाएगा ज़्यादा। करना कुछ नहीं, जाना कुछ नहीं, बाजार हम जाएंगे नहीं, घर में बैठे बैठे वो चीज़ें हो जाएंगी। अंकल जी, आपका शुभ नाम? राजनारायण यादव जी। आप किस चीज़ का खेती करते हैं? खेती गन्ना ही करते हैं। अच्छा, गन्ने का जी। बहुत बढ़िया, आपको उत्पादन में लगभग कितना आ रहा है? कम ऊपर लगभग ये हम लोग 250 से 350 तक वाली फौजी होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कितना लगभग है अपने पास? अब हम लिखे छोटे किसान हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, किसान तो किसान होता है, चाहे 1 एकड़ को 4 एकड़
गन्ना लगाते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मिल वगैरह है कि बीच में हमारे थे वो मिल बिहार में है कि यूपी में? एशिया के प्रथम शुगर फैक्ट्री है। अच्छा, ये एशिया का प्रथम फैक्ट्री है। और है तो छोटा सा? नहीं, समय तो बढ़ गया। वही पे आप प्रैक्टिस भी करते हैं, आप डॉक्टर हैं होम्योपैथी? अच्छा, अरे वाह, जय हो प्रभु। होम्योपैथिक में ही अब दुनिया का इलाज है? बाकी से तो विश्वास उठते उठते जा रहा है। तो ये अच्छा, ये मिल कितना गन्ना पेड़ देती है एक दिन में? इसका ग्रोसिंग तो 60,000 का है। अच्छा, पर डे? रोज पर डे चलता है भाई, लेकिन चलता है बहुत माइनस में। गन्ना नहीं है तो क्यों मिल वाले प्रयास नहीं कर रहे इस क्षेत्र में करने के लिए? कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा पेमेंट में ये लोग गड़बड़ी करते हैं। पेमेंट तो किसान को नकद चाहिए, इसीलिए हमारे यहाँ पे एक शुगर मिल है, वो नकद पेमेंट देती है और दूसरी वो रुला देती है पेमेंट एक साल में। एक साल में। इनको बोलो भाई बच्चों को कहाँ से पालें तो बता दो। इसीलिए बच्चे को फीस देने के लिए बैलेंस रखना पड़ता है कि इस साल का पैसा उस साल। हम लोग उस चीज से भुगते हैं पश्चिम यूपी वाले, आपने देखे होंगे कितने धरने दिए और कितना किए, तब जाकर के पेमेंट की स्थिति थोड़ी सुधरी है। और ये तो चीजें हैं। खैर, किसान के साथ एक किसान ही ऐसा प्राणी है जो अपने माल को बिना रेट के और उधार बेचता है। मतलब मैं उगाता हूँ दुनिया का पेट भरने के लिए, और मेरे को ये पता नहीं कि मेरा केला कितने रुपए में जाएगा और इसको कौन खरीदेगा और कब पैसे देगा। इससे बड़ी विडंबना हो सकती है कहीं? आप दुकान पर जाओ, साबुन वाले को पता है ये 40 रुपए का साबुन है, 38 रुपए में दे दूंगा 10 साबुन लेगा तो, है ना? नहीं तो MRP 40 है, 40 रुपए दो, और चूं भी नहीं निकलती मुँह से। QR कोड डाला, 40 रुपए दिए, निगम में दिए, लेके आ गए नगद। और हमारा कोई गारंटी नहीं है उधार। अरहर की दाल दुकान पे जाओ नगद देता है, तोल के 180-210 रुपए किलो है। और हमारा खेत से किसान को चाहे वो बड़ा बनिया हो या छोटा बनिया हो, वो सब्जी खरीदने वाला बनिया हो या गन्ना खरीदने वाला बनिया हो, सब किसान को ठगता है। वो तो है, चाहे जैसे भी ठग ले लूटता है, तरीका है उसका अपना अपना, वही तरीका। किसान को कह देगा कोई बनिया की सब आलू कोड़ दो हम बेच दे, जब किसान आलू कोड़ देगा तो कहेगा कि खाते नहीं, वो कच्चा आलू कोड़वा देगा। अगर हम लोग भूखे हो गए हैं, मेरे पास लौकी था, हमसे आया बनिया का है सब लौकिया काट दी, हम ले जाते नहीं सारा लौकिया, जब हम काट दिए कम से कम 200 लौकी काट दिए। अब 200 लौकी काट के हम करेंगे क्या, वो भी 10-11 बजे दिन में कटवा दिया, इसी धूप में इसी महीने का टाइम था, काट दिए। उसके बाद उसके पास गए, मैं तो लौकिया जाना आए तो कदम हमने टाइम ही नहीं किया, अब आओ कौन को 200 वो आए ले जाए तो 200 लौकिया में से 50 को बीन के ले गए, 150 कहते ही तो छोट उसको पकड़ के खेत में बैठा देते हैं आराम से, हाथ पर बांध के बोला आ जाओ, जब तक जाएगी क्लिनिक देखेंगे झगड़ा करेंगे। ये चीज है किसानों के साथ जी। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम हुआ दुर्गेश प्रसाद जी। प्रसाद जी, आप किस चीज का खेती करते हैं? हमारा तो अभी प्रथम वर्ष केले का खेती हो रहा है, मनोज भैया के मार्गदर्शन में। इसको बोलना ढोल बाद में बजा लेना भाई। मनोज भैया के मार्गदर्शन में हो रहा है, लमसम 3 एकड़ 3 बीघा लगाया हुआ है जी। यहाँ से मोटा मोटी 20 किलोमीटर इनके आसपास में है कहीं? नहीं, ये तो बहुत करीब है। हाँ, 20 किलोमीटर की दूरी है, और हम जाए वहाँ से यूपी बिहार का बॉर्डर है। अच्छा, हम बिहार से बिलोंग करते हैं जी, जी। सिवान जिले में गुठनी बाजार है। अच्छा, हम भी तो सिवान से आए हैं अभी यहाँ पे, तो आप इस रूट से होंगे हमारे? अब हमें तो मैप से आए हैं, जाना वो कहाँ कहाँ घुमा के लाया है जी जी। 2-3 बाजारों में जाम लगवा के, वो भी यूपी में ही है, मेहरौना के पास एक जगह है उकीना, वहीं लगा हुआ है। इसके बाद फिर प्लानिंग है इस पर। आपकी जमीन केले के लिए बहुत शानदार है, ना यहाँ बाढ़ आती है ना कुछ है, बस आप लोग आना नहीं चाहते उधर, पता नहीं क्यों मैं बात करूँगा। हाँ भाई, हीरो खड़ा हो जाता है, जिन्ना लौंडों की शक्ल देखनी चाहिए। क्या नाम है? सुशांत कुशवाहा। सुशांत कुशवाहा, गुड। तू क्या करता है, खेती करता है? हाँ। या ऐसे पापा के पैसे भुगता है? नहीं, खेती करता हूँ साथ। करता है? हाँ। तुमसे तो हमारा बात हुआ है शायद, फोन पे होता रहता है। हाँ हाँ, तुमने तो लगाया हुआ है केला? नहीं अब लगा। पिताजी आए हैं? हाँ। कहाँ हैं? अच्छा, आप ही हैं। हाँ। ये अच्छा, वो बोल रहे थे मेरे को फोन करके, भैया पिताजी को अच्छे से समझा देना। हाँ। पिताजी मानते नहीं हमारी बात, है नहीं? हाँ। कोई नहीं, आज मानेंगे। चलो, इसको यहाँ रख देते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप ये इसमें मेरे से सवाल कर सकते हैं। पहले किस चीज पे बात करें, आप लोग अपनी समस्या बताओ मेन, क्या हमारी समस्या ये है खेती में, जो भी जो खेती में कर रहा है गन्ना खेती को लेकर के आप पहले थोड़ा समस्या बताएं, फिर हम केले पे बात करेंगे। पहले आपको गन्ना समझा दें मोटा मोटा भाई, गन्ने का ग्रोथ कैसे होगा ये बताइए, क्या खाद दिया जाए। ठीक, समस्या क्या है ये तो हम बताएंगे आपको आज, आप अपनी समस्याएं बताओ हमें कि भैया हमें अभी तक ये समस्या आती है और उसका समाधान नहीं मिला, मिलता है तो पैसे में मिलता है, बताइए आप, बताइए। माइक लगा हुआ है, आवाज आ रही है। गन्ने में तो वही होना चाहिए कि उसका कम से कम लगे,
अच्छा उपज ज्यादा से ज्यादा हो, उपज ज्यादा सा। तो मैं आपको एक मोटा मोटा सा गन्ना समझा देता हूं, लागत कम से कम लगे और उपज ज्यादा हम लोगों को मिले, ठीक है, उसी से तो लाभ हमको होगा। गन्ने को सबसे पहला नियम है कि गन्ने को दूरी चाहिए, हाँ दूरी चाहिए, ठीक है। और आप लोग कितनी दूरी पे लगाते हैं गन्ना? कोई ट्रेंच होते हैं, ट्रेंच का मतलब दूरी नहीं होता, ट्रेंच का मतलब गड्ढा होता है, लगभग तीन चार फुट है, चार फिट पर दूरी है। चार ट्रेंच से बोते हैं या सादे वाले लेजर से बोते हैं? सादे वाले से भी बोते हैं और ट्रेंच से भी बोते हैं। सादे वाले पूरे हैं, सादे वाले से बोगे तो वो गन्ना ट्रेंच नहीं कहलाएगा, ट्रेंच का मतलब होता है गहरा, लगभग 10 इंच। सादे वाले से बोगे तो 4 से 6 इंच जाता है। अगर ट्रेंच से भी बोए तो हमारे यहाँ चौड़ा वाला ट्रेंच, मैं वही कह रहा हूँ, डेढ़ फीट की नाली और 10 इंच गहरी, उसको बोलते हैं ट्रेंच। लगभग जाता है, आपके आपके यहाँ मिट्टी हार्ड है तो नहीं जाता होगा, बट वो लगभग इतना तो है। हाँ हाँ, आराम से। लोगों ने क्या किया, कई जगह हमसे भी एक बार गलती हुई, हम लोगों ने क्या किया, वो सादे वाले लेजर से बीच वाला फर्रा निकाल दिया और हमने सोचा चौड़ाई मतलब ट्रेंच, खींच दिया सादा गन्ना बो दिए, उत्पादन तो आया लेकिन हमें वो ट्रेंच वाला मजा नहीं आया। बाद में पता चला कि गलती हो गई शुरू में, तो इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो उसको भी हमने ट्राई में ही कोई जी गन्ने का क्या आया नहीं आएगा, वो सिंपल साधारण सा आएगा, जितना सा ट्रेंच से कम आएगा। हाँ, उसके कई कारण हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि गन्ना जो है वो एक बार लगा के बहुवर्षीय फसल है, कम से कम एक बार लगा के 4 से 5 साल आपको गन्ना काटना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे गन्ने की खेती ये तो समस्या है, 2 साल में मैं आपको बता रहा हूँ ना कारण, आप सुनते जाओ आराम के साथ। सबसे बड़ा कारण ये है गन्ने का, अभी आप जब पूछोगे तो बताना, मैं ये वाला माइक दे दूंगा, कभी ये हरी बत्ती जलनी बंद होगी तो मुझे तुरंत बता देना, तो आवाज़ बंद हो जाएगी। फिर गन्ने में जितना हम लोगों ने सीखा, महाराष्ट्र से सीखा, कर्नाटक से सीखा, कई स्टेट से सीखा, अपने यहाँ हम तो पैदा ही से गन्ने की हैं बचपन से, और गन्ने पर काफ़ी समय से लगभग 3-4 साल से तो हम लोग पीछे पड़े ही थे, हाथ धो करके सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब तक सामने नहीं आएंगे कैमरे के, जब तक आप लोगों के हाथ में कुछ देने लायक ना हो जाए। भंडारे का पतीला जब आता है, जब खीर बन जाती है, गांव बुला लिया, भंडारे का पतीला बना नहीं तो पता चले फिर बेइज्जती हुई फिर। तो इसलिए हम लोगों ने गन्ने पर जो रिसर्च करी वो बड़ी चौंकाने वाली निकली, काफ़ी लोगों से मिले, हजारों लोगों से, काफ़ी वीडियोज आपको मिलेगी चैनल पर भी। हमारा एक चैनल है किसान कार्यशाला, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, हम पर्ची भी आपको बांट देंगे अभी। गन्ना बहुवर्षीय फसल है, एक बार लगा के लगभग अनेक साल काटने वाली फसल है, क्योंकि ये हाईब्रिड है, वैरायटी जो हमें मिल रही हैं तो ये ज़्यादा लंबे समय नहीं चलती। हम लोग क्या गलती करते हैं कि आपने गन्ना लिया हमसे, हम कहीं से नया गन्ना लाए अनुसंधान केंद्र से और हमने ला के अपने खेत में बो दिया, अब आप अगले साल हमसे गन्ने का पौधा लेके चले गए, आपने अपने खेत में बीज बनाया और लगा दिया, अभी कितने साल का हो गया, 4 साल पार हो गए बीज बदलने में। दूसरी बात, आपको जो गन्ना चाहिए, अब वो आपके मेरे खेत की बीमारी, इनके खेत की बीमारी, इनके खेत में आई, इनके खेत की मेरे खेत में आई, ठीक है। सबसे पहला नमस्ते जी, सबसे पहला बीज आपका अपना होना चाहिए। अब बीज अपना कैसे होगा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ। अब बीज अपना कैसे होगा, तो आपको क्या कर रहे हैं, अब लोग बोल रहे हैं कि साहब हमारा टिश्यू कल्चर का पौधा लगाओ गन्ने का। अब टिश्यू कल्चर का अगर हम पौधा लगाएंगे, पहले हम इसका वो लिख दें, किसान कार्यशाला, ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है, ये हमारा नंबर है, अब टिश्यू कल्चर में अगर मैं 1 एकड़ में टिश्यू कल्चर का पौधा लगाने लगूं, अगर हम टिश्यू कल्चर में 1 एकड़ में यानी कि आपके 1.5 बीघे में टिश्यू कल्चर का पौधा लगाएं, तो 6600 पौधा लगभग आता है। अब 6600 पौधे खरीद कर लगाना किसान के लिए असंभव सी बात है, ये लॉजिक नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपना बीज तैयार करो। अपना बीज कैसे तैयार करोगे, आप क्या करोगे, 1/5 हिस्से में या उससे भी कम हिस्से में टिश्यू कल्चर के 150 से 200 पौधे लगाओगे,
6000 तो बहुत महंगा पड़ेगा। सपोज करो 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए या 20 रुपए का पौधा पड़ा आपको, 15 रुपए का पौधा अगर सपोज करो पड़ा, मतलब मेरे को पता नहीं अभी कितने का पड़ेगा, एक अनुमान की बात कर रहे हैं, तो हमारा तो बहुत महंगा पड़ा। अब किसान इतने 6600 पौधे टिश्यू कल्चर के लगाएगा और फिर वो कमाएगा क्या? लोग बोल रहे हैं साहब इसके 25 टिलर आएंगे, 30 टिलर आएंगे। भैया उसको 30 टिलर को पालने के लिए इतना भी तो देना पड़ेगा नीचे से, तभी तो वो 30 टिलर चलेगा, वरना अगस्त के महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो चला जाएगा। अगस्त तक किसान कितना खुश होता है गन्ना देख के, सितंबर तक गमछा मारता है फेंक के कंधे पे, क्योंकि सारे गन्ने दिखते हैं उसको, और जब कटाई होती है तो साला गन्ना कहाँ चला गया खेत में से, तो 11 में से बचते 5, 6, 4, 3, कहीं कहीं सिंगल 5 दिख रहे थे, छोटे छोटे रह, हाँ सिंगल ही रह जाता है। तो ये टिश्यू कल्चर का अगर आप 150 से 200 पौधा लगाएंगे तो एक पौधे से हम ज्यादा आँख की बात नहीं करते, 10 आँख मिलेगी, ठीक है, 10 आँख मिली तो 10 × 200 क्या हो गया, 200 पौधे लगाए थे, सॉरी, इससे हमें गन्ने मिले, एवरेज कर लेते हैं हम इसको, लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर से 10 आता है 15 आता है, हमने 77 गिना है, 35 भी गिना है, लेकिन हम एवरेज बात करेंगे कि हमारा 8 गन्ना आएगा, ठीक है, तो हमारे हो गए 1600 गन्ने। अगले साल 200 पौधों से 1600 गन्ने बने, ध्यान से समझना, नहीं समझ आता तो पूछ लेना, मैं कोई मास्टर नहीं हूं, आपका बच्चा हूं, आप मुझसे 4 बार पूछ सकते हैं बात को। अब 1600 गन्ने लिए तो एक गन्ने में 10 आँख आ गई, तो हाँ जी, तो इंजीनियर साहब कितने हो गए, 1600 × 10 16000 हो गई है। अब एक एकड़ में कितना चाहिए बुवाई के लिए, 6600, हमारे पास गन्ने कितने हो गए, 16000, तो आपने लगभग 3 एकड़ गन्ना, अगर 4.5 बाई 1.5 पे गए तो लगभग आप 3 एकड़ गन्ना बोलोगे, कितने से, मात्र 200 पौधों से। और उससे अगले साल जो ये 3 एकड़ है, अब आप खुद सोच सकते हो कि कितना गन्ना बो सकते हो, करना ही पड़ेगा अगर गन्ने की अच्छी खेती करनी है। इंडोनेशिया की वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मोबाइल पे वो जो बांस जैसा गन्ना काटते हैं उनकी ट्रिक को हमें अपनाना पड़ेगा कि ये लोग करते क्या हैं जो गन्ने का इतना लेके जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टिश्यू कल्चर का पौधा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से उपलब्ध होता है, बस हम हाथ पैर नहीं मारते, डूबना पसंद है, नदी में गिर गए अरे बाप रे अब तो हम मरेंगे, अरे भाई ऐसे हाथ तो हिलाओ यार, कोई तो देख के आएगा तुम छपछपाते हुए बचा लेगा, हो सकता है खुद ही किनारे पे पहुंच जाओ, समझ रहे हमारी बात। तो टिश्यू कल्चर के पौधे, अब 200 पौधे कितने का आएगा, बड़ी मुश्किल से 1000-2000 रुपए के, लगा दो ला करके खेत में, अगले साल 20 तैयार है। अच्छा ये बहुत ज्यादा जगह भी नहीं लेगा, 200 पौधे के लिए क्या जगह जाएगी, क्यों चाचा यादव जी, छोटी सी जगह में आ जाएगा आपका, आपका अपना बीज तैयार है। अब मजे की बात यह है कि ये जो टिश्यू कल्चर का पौधा आएगा, इसके अंदर ना तो बीमारी आएगी, ना वायरस आएगा, ना फंगस आएगा, ये फिल्टर किया हुआ आता है वहां से। आप जो मेरे से बीज ला रहे हो उसकी गारंटी नहीं है मैं क्या बेच रहा हूं आपको, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मेरी जमीन में क्या अंदर गया, उसके फंगस गई मेरे खेत के, आपके खेत में पता थोड़ी चलेगा। ये जो फैल रहा है अभी, ये गन्ना सूख रहा है पूरा, लाल सड़न, ये कहां से आ रही है, खेतों से जा रही है एक दूसरे के। तो ऐसे में क्या है कि मेरे खेत को शोधित अगर मैंने करके बोया, ये टिश्यू कल्चर तो शोधित आ ही रहा है, और अपने खेत में अगर मैंने इसको शोधित करके बो दिया अपने खेत को, तो मेरे खेत में जो है वो मेरे खेत में रहेगा, दूसरे खेत में नहीं जाएगा। तो हर किसान को अपना बीज तैयार करना चाहिए। अब ऐसा आप हर साल करेंगे तो हर साल आपके पास अपना बीज तैयार रहेगा, अपना बीज मतलब आप अपने लिए लगाइए केवल। अगर सगा भाई भी है उसको बोलो तू भी भैया टिश्यू कल्चर के 100 पौधे लाके लगा, मेरी जान मत खाना मैं नहीं दूंगा। अपना बीज, जब तक किसान के पास अपना बीज नहीं होगा किसान कामयाब नहीं होगा, कब तक बाजार के भरोसे रहोगे। अब यही पौधा अगर आप 3 एकड़ का सोचो, इसको बाजार से लेके आओ तो क्या होगा, या 6600 पौधे, 16000 पौधे कितने के हो गए, लाखों में पहुंच गई कहानी। तो लाख रुपए ना खर्च करके 2000 रुपए में काम कर लो। तो टिश्यू कल्चर के पौधे से बीज तैयार करना है, ये चीज समझ में आ गई।
मुश्किल काम नहीं है, आप लोग प्रयास करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे बताना कहीं समस्या आती है, मनोज शर्मा जी हैं, इनको बताओ कि शर्मा जी टिशू कल्चर का पौधा दिलवाओ यार, हम कहीं से भी ठाक ला के देंगे आपको, लेकिन आ जाएगा वो, या आपको कहीं मिलता है तो आप खुद लेके आ जाओ, अगर ऐसा लगे कि यार ये लोग पता नहीं क्या जादू मार रहे हैं इसमें, तो अपने आप लेके आ जाओ जाकर के। आजमगढ़ में एक सरकारी वो है, लैब है, और भी कई हैं, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में, हर जगह पे हैं, अब जाओ जाके लेके आओ। तो टिशू कल्चर के पौधे पे बीच पे आप आओ, ये हो गया गन्ने का पहला नियम। वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, हाँ, ये गन्ने का गन्ना है, केले की तरह गणित है पूरा, बट इतना ज्यादा टिपिकल फसल नहीं है, देखे जाएगा, आग लग जाए तो पैसा, ओला पड़ जाए तो पैसा, बाढ़ आ जाए तो पैसा, गन्ने का पैसा कहीं जाता नहीं, इतना पक्का है। केले में लुटिया कभी कभी डूब जाती है, 100 में से 10-20 बार, कभी कभी नहीं बिका तो रेट नहीं गया, गन्ना तो जाना ही है, फिक्स है रेट 375। तो ये किसी भी प्रजाति का हो, जो आपका मन करे, टिशू कल्चर हर प्रजाति का मिलता है, बस हमने आपको नियम बता दिया, आपका पेट साफ नहीं हो रहा हमने बता दिया, सुबह उठो, गर्म पानी पियो, थोड़ा सा दौड़ो, पैदल चल के आओ, पेट साफ हो जाएगा। अब वो किसका कौन, वो कुशवाहा का पेट साफ नहीं हो रहा क्या, यादव का, वो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, पेट तो पेट है, वो कुशवाहा हो यादव का हो, तो वैरायटी कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, सूत्र यही है बीज तैयार करने का गन्ने का। ऐसा करने से आप जो दवाइयां दबा दब ढो रहे हो, झोलों में ला रहे हो बांध बांध के, उनसे आपको 80% मुक्ति मिल जाएगी, सारा ही कम हो जाएगा दादा। तो पहला काम तो ये है। दूसरा, गन्ने को जब आप लगाते हैं तो जो भी आप फर्टिगेशन गन्ने पे डालते हैं बुवाई के समय, वो बहुत मायने रखता है, कृपया करके रासायनिक खाद ना डालें, बिल्कुल भी ना डालें, हम करते हैं बहुत समय से, बर्मी कंपोस्ट लेके आइए। हम लोग गलती करते हैं कि उसमें, गलती नहीं करते, आपको बताया नहीं किसी ने आज तक, तो गलती तब होती है जब आप पता होने के बाद करें, ये तो ठीक है, गलती होती है, गलती तो क्या, किसान को बेचारे को समझाए उस तरीके से गया कि लपालप भर के एकदम ऐसे फर्टिगेशन डालोगे तो ऐसे करना आएगा। बुवाई के समय में यूरिया ना दें, अगर मन कर रहा है तो केवल आप 10 किलो DAP और 10 किलो पोटास दोनों को गोबर की सड़ी हुई खाद, 20 किलो ये खाद हो गया, इसको लगभग 60 से 80 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद लेकर के उसमें मिला करके रखिए, उसके ऊपर पानी छिड़क दीजिए, थोड़ा नमी दे दीजिए, गुड़ का पानी, और इसको अच्छे से मिला करके रख दीजिए, इसके अंदर पोटेशियम हुमेट फुलबेट या उपलो का पानी, उपले कंडे डुबो कर रख दिए वो इस पर छिड़क दिया, या चावल का मांड, अब इसको 10 दिन के लिए आप इसको बांध करके छोड़ दीजिए एक जगह पे, उसके बाद इसको अपने खेत में फेंको और ऊपर से फिर गन्ना डालो। गन्ने को ट्रीट करने की कोशिश करो, यदि नहीं कर पा रहे हो, और ज्यादा आँख का गन्ना मत बो, एक आँख का गन्ना बहुत होता है, ज्यादा से ज्यादा दो आँख, हाँ ज्यादा से ज्यादा दो आँख, और दो आँख में भी ये नहीं कि मजदूर फेंकते जा रहे हैं और आप पैर रखते जा रहे हैं पीछे से, ना उसको देखो आँख कहाँ जा रही है, एक आँख इधर जानी चाहिए, एक आँख इधर जानी चाहिए साइडों में, जैसे ये है ना, ये आपका गन्ना है ये, तो इसमें एक आँख इधर यहाँ पे आनी चाहिए, एक आँख यहाँ पे आनी चाहिए, अगर ये आँख नीचे गई तो ये बहुत जमने में समय लेगी। कोशिश करें ऊपर की 6 से 8 ही पोरियों को बोएं, आधा गन्ना ऊपर से, 50% बीमारी यहीं खत्म। दूसरी चीज, ये आधा गन्ना बोइए बस, केवल ऊपर का, नीचे वाले को नहीं बोना है। तो एक तो गन्ने में क्या हुआ, टिशू कल्चर का कोशिश करना है, अभी फिलहाल वर्तमान में अगर किसी को बोना है तुरंत, आज मैं अभी की बात कर रहा हूं, तो फिर ऊपर से आधे से ऊपर का गन्ना, क्योंकि जमाव यहां से शुरू होगा, नीचे तक आते आते केवल बीमारी आती है, जमता नहीं है। तो गन्ने में पहला सूत्र हो गया, टिशू कल्चर से हम पौधा बनाएंगे, अपना बीज अपने घर का करेंगे, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हम जो गन्ने को तैयार करेंगे, इसको ये गन्ना बोएंगे, ट्रीट करके बोएंगे। अब जैसे ये दो आँख का कट रहा है तो ट्राइकोडर में लेके आइए, लिक्विड वाला पानी में घोलिए, उपचारित करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, उपचार के कई तरीके हैं, अब कौन डुबोएगा कौन निकालेगा,
स्प्रे की मशीन रखी है वहीं पे, मनोज शर्मा जी इसको काटते जा रहे हैं दो दो आँख का, और मैं वहीं पे स्प्रे करते जा रहा हूँ हैंड टू हैंड, बस खत्म कहानी। सिंपल साधारण तरीके पकड़ो, बताने के लिए तो बिल्ली का पेशाब मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन वो मिलेगा नहीं, तो बिल्ली का पेशाब बताने से फायदा क्या है, बताना गैया का है जो गाँव में मिल जाएगा कहीं। तो आराम से वहाँ पर स्प्रे करते जाओ, हमने किया है ऐसा और बहुत शानदार जमाव आया। बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अवश्य करें अपने खेतों में बुवाई के समय पे, दो बोरी तो कम से कम करें, वरना चार बोरी, फिर देखो आप गन्ने का आनंद प्रति एकड़ देखो इसको करके, फिर आपको मजा आएगा कि यार कहाँ फंसे थे डीएपी के चक्कर में। भाई भट्टी खाद में फिर वो आ जाएगा ना, आ तो गया भट्टी खाद 10 किलो डीएपी और 10 किलो पोटास, बर्मी कंपोस्ट अलग से डालना है इसके साथ में, और इसका गुणवत्ता बढ़ा देगा वो, आप जो इतने सारे रसायन डाल रहे थे उससे मुक्ति मिल जाएगी। बना लो घर पे, केंचुए मंगवा लो, हम भिजवा देंगे केंचुए, हम आपको नंबर दे देंगे, किसान से बात करो, केंचुए ले लो अपने घर में, एक बेड बना लो, खुद का वर्मी कंपोस्ट काहे नहीं बना रहे हो, काहे भाई आप बार बार बाजार भाग तो मिलता नहीं है, ये मिलता नहीं नहीं मार दिया, अब जहाँ बोला मिलता नहीं तो वहाँ पर बाजार आ जाता है कि मैं हूँ, चिंता मत करो, समझ रहे हो, सब बोलो मिलता है, उस सामने वाले को मौका ही मत दो कुछ बेचने का, उसको बोलो मिलता है भैया, हम हमारे पास है गांव में, हम कर लेंगे जुगाड़, फौजियों की तरह हिम्मत रखा करो, फौजी कभी नहीं बोलता कि साहब ये कम नहीं होगा, हाँ ठीक है सर हो जाएगा सर, वो कभी नहीं बोलता, अरे साहब गर्मी हो रही 2 बज रहे मैं कैसे जाऊँगा, नहीं देवरिया जाना है जी सर, अभी जाना है जी सर, इसलिए फौज जिंदाबाद है और किसान भी जिंदाबाद है। किसान ने गेहूँ काटने कटेंगे भैया, रोले या गाले काटने तुझे, इतनी इतनी गर्मी में लोग खेतों में काम कर रहे हैं, तो दिमाग में ये डालना कि हो जाएगा। बर्मी कंपोस्ट का बेड कैसे बनेगा ये बताएंगे इनको, चला के एक यूट्यूब पकड़ा दो, नहीं तो हम जो लोग बना रहे हैं हम उनके नंबर आपको दे देंगे, आप उनसे पूछो, 4-5 किसान इकट्ठे हो, बस में बैठो, गप्पे मारो, ट्रेन में बैठो, हमारे क्षेत्र में आओ, आपके क्षेत्र में भी लोग बना रहे हैं, वहाँ जाओ जहाँ पर ये लोग बना रहे हैं उनको देखो, वहाँ से केचुआ खरीद के लाओ, अपने घर पर बनाओ। अब ये नहीं करोगे तो मेरे जैसे पागलों का समाज में घूमने का कोई मतलब है नहीं, ये करना ही पड़ेगा अगर आपको यहाँ से आज इस दलदल से बाहर जाना है तो, वरना आज हम फंसे हुए, कल हमारी औलाद फंसेगी, परसों पोता फंसेगा और हम यहीं फंसे रहेंगे। तो हमने क्या करना है, फिर रसायन को छोड़ना नहीं है, कम करना है, छोड़ेंगे तो गिरेगा मामला, सपोज करो चौधरी साहब दारू पीते हैं, अभी हमारे हम दारू पीते नहीं, अब हमें पता है इनके दारू, भाभी ने बोल दिया कि दारू ना पिए, ध्यान रखियो, अब हम ये कहें देखो भाई तुम हमारे साथ जा रहे हो, हमारे दोस्तों भाभी ने मर के, हम तुम्हें दारू नहीं देंगे, तो ये परेशान हो जाएंगे गाड़ी में, यार एक क्वार्टर दिला दे यार, थोड़ा सा दिला दे, हम इन्हें कहेंगे सुनो हम यहाँ से चल रहे हैं कुशीनगर, कुशीनगर में दबा कर दिए, टेंशन मत लेना, तो ये कुशीनगर तक चू नहीं करेंगे, इनके दिमाग ने मान लिया कि कुशीनगर में मिलेगी, तो ये शांत बैठे हैं कुशीनगर तक। अब कुशीनगर गए, अरे यार ठेका बंद हो गया, ओहो अच्छा कर रहे हैं जुगाड़, रुको, अब ये बोतल पीने वाले थे, हम कहीं गए चुपचाप जा करके गाड़ी के डिक्की में से क्वार्टर निकाल लाए, क्या डॉक्टर साहब क्वार्टर का जुगाड़ हुआ है, अरे कोई बात नहीं क्वार्टर ही चलेगा, टेंशन मत लो, मिल तो गई, हमारी बात समझ में आ रही, उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि देसी में समझ जाओगे आप लोग, सब चढ़ाते होंगे जरूर कहीं ना नहीं। तो डॉक्टर साहब को क्या लगा, दिमाग ने मान लिया कि यार मिल गए रे भाई, एक क्वार्टर ही बहुत है आज, कोई निकल पी लेंगे, उसकी अहमियत कम हो गई, हाँ और जरूरत पूरी हो गई, पूरी हो गई। तो ऐसे ही रासायनिक खाद है, अगर आपने खेत को बोला हम रासायनिक खाद नहीं देंगे तो खेत पागल हो जाएगा, तुम उत्पादन देगा ही नहीं, यही कारण है जैविक में आगे उल्टे होने का, बहुत लोग आए किया 2 साल लपेटा खाए और फिर वापस से और ज़्यादा रसायन डाल के खेती कर रहे हैं, क्यों हो जाते हैं समझ में आया क्या, डॉक्टर साहब को बता दिया दारू नहीं मिलेगी, ये गाँव से पागल हो गए, कैसे नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, हम तो पियेंगे, अरे इनको बताओ कुशीनगर मिलेगी, रास्ते में नहीं पियेंगे, ये कुशीनगर तक एकदम शांत बैठेंगे, गाने सुनते जाएंगे भोजपुरी, और अगर अभी मना करते हो तो यहीं से झगड़ा शुरू कर देंगे पेट्रोल पंप के पास से ही, तो वहाँ जाकर के बोलना अरे यार बोतल तो मिला नहीं डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल हो गया, क्वार्टर ही मिला है। तो डॉक्टर साहब को जब क्वार्टर के साथ में आप कहोगे अच्छा अनार का जूस और मिला हमें, एक लीटर अनार का जूस है हमारे पास, 2 सेब हैं, तो ये जब धीरे धीरे इनको सेब और अनार का जूस जाएगा तो उसका जो लिक्वर कंजम्पशन है इनका वो कम होता चला जाएगा, तो ये नशा मुक्ति की तरफ जाएंगे कि नहीं। तो देश में नशा मुक्ति और केमिकल मुक्ति, ये दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आज हमारा जो युवा है एकदम नशे में डूबा हुआ है, और जिस देश का युवा नशे में डूबा हुआ है तो उस देश की तरक्की कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं युवाओं को समझाना है, हमारा ही फर्ज है, हम ही लोग समझाएंगे, बाहर से कोई आएगा नहीं, किसानों को भी हम ही समझाएंगे, हम किसानों के बालक हैं, बाहर से कोई आएगा नहीं।
तो रिड्यूस करना है, कैसे करना है, आप जितना भी रासायनिक खाद देते हैं। अच्छा वो क्लियर हो गया, बुवाई वाला ट्रीट करने वाला हो गया। अब आपने गन्ना बो दिया आराम के साथ, ये गन्ने का पूरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप चैनल पर देख सकते हैं। खेत में रासायनिक फंगीसाइड और कीटनाशक की जगह पे अगर हम प्राकृतिक कीटनाशक और फंगीसाइड का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटरिजेमिनोसोप्ले, पेसिलोमाइसिस हो गया, बहुत सारे हैं। इन सब की उपलब्धता भी हो जाती है, नहीं हो जाती है तो मिल जाएगा आसपास में। मनोज जी पढ़े लिखे किसान आपके पास में और बहुत घूमते हैं पूरे भारत में पूरा, तो ये व्यवस्था आराम से हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, करवा दी जाएगी। अब आपने गन्ना बो दिया, गन्ना बुवाई के बाद आप गन्ने में पानी तब दें जब आपका 90% गन्ने का जमाव हो जाए। पहला पानी हमेशा हल्का पानी होना चाहिए। खेत में ये आपका खेत है, जब ये खेत यहां तक भर जाए तब आपने इस पहले पानी पे, पहले खेत में 1.5 किलो फिटकरी, 1.5 किलो सेंधा नमक, ये जो हमारा ट्यूबवेल से बरहा आ रहा है यहां तक, इस बरहे में यहां पे रख देना है, इसको जाने देना है। ये पीएच को कंट्रोल करेगा और काफी कुछ आपको देगा, टॉप बोरर जैसे से भी मुक्ति दिलाएगा आपको, ये रोक लगाता है एक समय से। सेंधा नमक दोनों मिला करके पोटली में बना के रख दो, अपने आप घुलते घुलते चला जाएगा। हमारी वीडियो पड़ी है चैनल पर, करा क्या फर्क लगा? हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देना है, किसान के अंदर एक और कमी है, अगर कहीं मजा आ गया तो एक तक और देना, थोड़ा सा कुछ नहीं होगा। दो के बाद बोलेगा ए मनोज भाई दोनों यार, तो किसान का है कि 1.5 किलो फिटकरी में मजा आ गया, ये 2.5 डॉलर है बाबू, 2.5 ये बाबू 5 डालो तो 5, अभी वो फिर वो सत्यानाश कर लिया उसने अपना। हाँ हमने क्या करना, हमने लिमिट, हम अपनी लिमिट भूल गए रसायन डालने की, वो इतनी हो गई, बहुत ज्यादा हो गई अभी। तो ये आपने जब यहां तक भर जाए आधा, तब ये पोटली रखनी है, ये पानी के पृष्ठ तनाव के कारण नीचे नहीं जाएगा, ऊपरी हिस्से में रहेगा और ये पूरे खेत में लग जाएगा। अब जब आपका खेत यहां तक भर जाए, ये ऐसे भरता है खेत, कहीं ऐसे भरता है ना, इकट्ठा नहीं भरता है कभी भी खेत, जब ऐसा वाला स्थिति बन जाए तब आपने पीछे से ट्यूबवेल बंद कर देना है, तो कम से कम 1 घंटे का पानी यहां घूम रहा है, ये सारा भर जाएगा। हल्का पानी, छिछला पानी, गन्ने को कभी भी छिछला ही पानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल चलाया छोड़ के आ गए, आपके यहाँ तो पता नहीं ट्यूबवेल है या लाइन तो दिखती नहीं है मुझे, अच्छा बिजली वाले हैं ना, तो रात को चला दिया, सुबह देखेंगे वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। सीमा पे जवान और खेत में किसान खड़ा हुआ अच्छा लगता है, अगर आप अपने खेत में खड़े होकर के पानी नहीं देंगे तो ये भयावह स्थिति पैदा करेगा। और आपकी जमीन की 50% से ज़्यादा बीमारी केवल पानी से आती है, आपने अगर पानी दबा के दिया किसी भी फसल को तो वो गई, एक धान को छोड़ के। गन्ने को तो बिल्कुल भी मत देना, सारी फंगस ही पानी की वजह से आती है। गन्ना ईख प्रजाति का है, मतलब वो बांस की प्रजाति का है, उसको नमी चाहिए समय समय पे, पानी नहीं चाहिए। केले को पानी चाहिए लेकिन हल्का चाहिए, गन्ने को, दुनिया की हर फसल को यही चाहिए। हम पता नहीं कहाँ से सीख गए तबाह के पानी भरना, हम लोग अपनी जान बचाते हैं कि एक बार भर दे 15-20 दिन छुट्टी हो जाए, कौन साला बार बार इसको भरेगा। आपने क्या करना है, हर पानी के ऊपर, अच्छा ये चलो वो तो मैं नुकसे तो बाद में आऊँगा, ये हो गया गन्ने को पानी देने का तरीका। अब एक और सबसे बड़ी कमी हम करते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम जादुई तरीका, गन्ने का उत्पादन बढ़ाना, एकदम से बढ़ाना, उसका क्या तरीका है। आपको जितना भी खाद देना है पूरे साल में, सपोज करो आपको 40 किलो DAP देना है, 50 यूरिया देना है, 40 पोटास देना है, तो इसको आप कितने महीने में गन्ना काटने वाले हैं पहले तो ये प्लानिंग करो। आप लगभग कितने दिन में गन्ना काटते हैं? आप नहीं करते, 11 महीने में करते हैं, तो 11 महीने में से 1 महीना तो जमाव में निकल गया, और बरसात के जुलाई अगस्त सितंबर हम 3 महीने पानी देते नहीं, तो 11 में से 4 महीने काट दो आप, 7 महीने बच गए। अब ये जो खाद है इसको डिवाइडेड बाई 7 महीना कर दो, मतलब 7 भागों में बराबर बराबर मात्रा में बांट दो, समझ में आ रही हमारी बात? जोड़ बस। अब आपने क्या करना है, इसको देने के मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं।
पहला तरीका भट्टी खाद है। भट्टी खाद का मतलब है जो हमने बताया था, रासायनिक खाद का अवशेष मुक्त करके खेत में देना, जहर मुक्त बना के। वो कैसे बना सकते हैं? किसी भी रासायनिक खाद को गोबर की सड़ी हुई 3 गुना खाद में मिला करके यदि हम 10 दिन के लिए निश्चित उस पर नमी दे करके रख देते हैं तो इसकी बॉन्डिंग टूट जाती है, मतलब ये जहर मुक्त हो जाता है, अवशेष मुक्त हो जाता है, हाँ। और ये 10 किलो 50 किलो का काम करता है। तो आपने क्या करना है, अगर 50 किलो डालने का मन है तो पहले साल 25 किलो डालना है, अगले साल 18 किलो डालना है, तीसरे साल 12 किलो डालना है और चौथे साल हर हर महादेव। आपको लगेगा नहीं कि मुझे खाद डालने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ दारू तो कम कर रहे हो क्योंकि शरीर में क्षति बहुत हो चुकी है, तो जूस को बढ़ाना है, दूध को बढ़ाना है, दही को बढ़ाना है, फलों को बढ़ाना है, सूखे मेवे को बढ़ाना है, इसको कम करते जाना है। एक दिन कब पहलवान बन जाओगे 4 साल के अंदर अंदर पता नहीं लगेगा। खेती का भी यही सूत्र है। अभी आप ऊपर बैठे हो पंखे पे, हमने बोला कूद जाओ, कूदे टांग टूट गई, अरे सीढ़ी दे दो भाई। तो हम आपको सीढ़ी दे रहे हैं, एक कैसे खाद को कम करें कि हमारा 50 किलो का 50 किलो, ये दुनिया की हर फसल में लागू है, केला हो, भिंडी हो, मिर्ची हो, टमाटर हो, गोभी हो, कुछ भी हो, आप जितना दे रहे हो ठीक उसका 50% कम कर दो आज ही। तो पहली बात तो यहाँ पैसा बचा। अब जो ये पैसा बचा इसका क्या करना है, आपको हर महीने अपने खेत में 1 एकड़ में लगभग ये मान के चलो कि 5 केजी सरसों की खली, 5 किलो सरसों की खल और 2 से 5 किलो गुड़। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, मैं किसान के घर से हूं तो मुझे पता है कई बार 1 किलो गुड़ का भी पैसा घर में होता नहीं है। नमक की रोटी, लाल मिर्च की चटनी, ठीक है, और शाम को थोड़ा सा दूध पाव भर 1 लीटर पानी में मिला के और गुड़ के साथ। आप लोगों ने तो खाया कि नहीं खाया, मैंने जरूर खाया अपने जीवन में और बहुत खाया है। शाम का भोजन गर्मियों का हमारे यहाँ यही होता था, क्या, नमक वाला रोटी, लाल मिर्च का चटनी, पाव भर दूध 1 लीटर पानी में और साथ में गुड़। रात्रि का भोजन हमारे यहाँ पे यही था। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, जिंदगी की चरम गरीबी झेल के आए हैं और उसने इतना ताकत दिया कि आज आपके सामने खड़े हैं। बताओ कोई ताकत में, एनर्जी में कमी है, दिमाग में आदमी ताकत होना चाहिए। अगर काजू बादाम से बच्चे मजबूत हुआ करते तो बनियों के सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्यों? मेहनत करने से आदमी मजबूत होता है, वो दिमागी मेहनत हो या शारीरिक मेहनत हो। आप लोगों ने क्या करना है, खाद को धीरे धीरे रिड्यूस करना है और करने के साथ साथ 5 किलो सरसों की खली, 2 किलो गुड़ और इसके अंदर 10 से 20 किलो कच्चा गोबर, इसको घोल करके मान के चलिए कि आप महीने में 2 बार चला दें तो बहुत ही बेहतरीन काम हो जाएगा। किसान कर नहीं पाता है तो आप अगर 1 पानी पे चला दें इसको महीने में 1 बार, जादू की तरह आपकी जमीन वापस आएगी, फर्टिलाइजर मांगेगी नहीं, बहुत जबरदस्त काम करता है। 1 एकड़ के लिए, हाँ, हर पानी पे। अब आपने क्या करना है, ये जो 10वां हिस्सा बनाया था खाद का, इसको या तो 200 लीटर पानी में, 200 लीटर पानी में 2 लीटर एक आता है फास्फोरिक एसिड जिससे डीएपी बनता है, सारे फास्फेटिक उसी से बनते हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। 85% का एग्रीकल्चर ग्रेड का अगर आप लेंगे तो फास्फोरिक एसिड 2 लीटर लीजिए, मतलब 1.5 लीटर भी चलेगा एकड़ में, 150 लीटर पानी में डालिए, यूरिया को छोड़ करके जितना भी आपका खाद है, रात को शाम को जैसे कल पानी देना है तो 12 घंटे या 8 घंटे पहले डीएपी और पोटास उसके अंदर डाल दो, वो ऐसा घुल जाएगा, चूरन बन जाएगा, उसका बॉन्डिंग टूट जाएगी, जो गोबर के अंदर हो रहा था वही इसके अंदर होगा। अब इसके अंदर आपने तत्काल प्रभाव से जब डालने जा रहे हैं तो ये जो आपका बचा हुआ मटेरियल है, जो भी आपको खाद देने का मन था वो खाद को इसमें डाल दीजिए, डंडे से चलाइए, उसके बाद खेत में जाने दीजिए पानी के साथ। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका भट्टी खाद बना के डालना, जो मैंने बताया था गोबर की 3 गुना खाद में। यूरिया को गोबर की खाद में मत बनाना, हलवा बन जाएगा। यूरिया को सूखी मिट्टी में मिला के और 36 घंटे रख देना और फिर उसको फेंक देना। 36 घंटे यूरिया को मिलाओ और 24 से 36 घंटे रखो
और फिर खेत में फेंक दो, दाना दिखेगा आपको लास्ट में। दाना दिखने का मतलब ये नहीं है, लेकिन उसका जो काम था वो जमीन में जाकर नुकसान करना था, वो उस कट्टे में कर दिया उसने। हमने एक रसोई बना दी, बजाय ये मेरा खेत है, मेरा पूरे यूरिया के दाने इस पूरे खेत में नुकसान करें, तो मैंने कॉर्नर में इसके रसोई बना दी। यहाँ पे नुकसान कर ले भाई, अब जो तुझे करना है मिट्टी का, अब ये खेत में ठंडा होकर के जाएगा, जैसे रसोई में खाना बनता है और हमारे सामने परोस के आता है तरीके के साथ, वैसे यहाँ पे आएगा। गरम गरम अगर कुकर में मुंह डाले तो खाएंगे, वही स्थिति जड़ों की होती है, उनका मुंह जल जाता है, वो नहीं खा पाती है। तो एक तो भट्टी खाद देने का तरीका हो गया, एक फास्फोरिक एसिड के साथ हो गया, एक आता है आपका डिकम्पोजर, आपके पास है, हमारी गाड़ी में भी ले लेना, ठीक है। वो एक आदमी बना लो, पूरी दुनिया में बांट दो, मल्टीपल होता है वो जामन की तरह, 200 लीटर पानी में डालो, 2 किलो गुड़ डालो, 5 दिन में 200 लीटर बन के तैयार, अब वो सबको बांट दो और सब अपने अपने घर फिर दोबारा से 200 लीटर बनाओ, 500 लीटर बनाओ, 1000 लीटर बनाओ, और अपने खेत में हर महीने 200 लीटर कम से कम छोड़ो। ये ज़मीन के अंदर जितना भी अवशेष पड़ा हुआ है, आपके गोबर के टुकड़े हो गए, जितने भी वेस्टेज है अपना फसलों का, इसका अवशेष हो गया और कई चीज़ें हो गई, ये इस सबको गला करके खाद में परिवर्तित करता है और ज़मीन को ढीला करता है। केंचुए बहुत अच्छे तरीके से खेत में आते हैं। तीन तरीके हो गए, आपने क्या किया, डिकम्पोजर बना लिया, डिकम्पोजर के अंदर ये सारी खाद मिला दी एक हिस्सा और पानी के साथ घोल के दे दिया, फिर फास्फोरिक एसिड मत लाना, तो डिकम्पोजर में दे दो, ठीक है। दूसरा, एक भट्टी खाद, एक डिकम्पोजर। अब तीसरा, जो सरसों की खली वाला सिस्टम बनाया था हमने, हाँ, इसमें जो डिकम्पोजर में आप ये डालेंगे, सरसों की खली जरूर डालिएगा 5 किलो, और फिर डालेंगे तो उसका बेहतर रिजल्ट है, बहुत बढ़िया वाला खाद और डिकम्पोजर, ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड वाला एक हो गया, डिकम्पोजर एक वाला हो गया, एक हो गया भट्टी खाद के साथ। हाँ हाँ, डालना है उसके साथ, सरसों की खली डालनी है, वो केले में भी चला सकते हैं आप, केले में मुट्ठी भर भर के डालने की जरूरत नहीं है, पानी के साथ छोड़े जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भट्टी खाद का सब्सिट्यूट तो कोई नहीं है, अगर मेरे पास लेबर नहीं है तो मैं सब्सिट्यूट बता रहा हूँ। भट्टी खाद अपने आप में अमेजिंग है, एक साथ इतनी खाद ना डाल के थोड़ी थोड़ी अपने खेत में फेंक दूंगा पूरे साल भर में, तो ये इतना ट्रॉली भरा हुआ खाद एक साथ ना फेंक करके, मजदूर ना लेकर के, धीरे धीरे करके आपके खेत में चली जाएगी। भट्टी खाद का कॉन्सेप्ट अलग है। तो भट्टी खाद से अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, मैं उसकी, अब गन्ना बड़ा हो गया यार, घुसेंगे कैसे, तो फिर आपको घोल के देना है। जब तक दे सकते हैं भट्टी खाद से दो। भट्टी खाद के बाद पहला नंबर किसका आता है, फास्फोरिक एसिड का, फास्फोरिक एसिड के साथ आप घोल के दो। नंबर दो पे आएगा क्या, डिकम्पोजर वाला। अब नंबर तीन पे आएगा क्या, ये जो कच्चा गोबर सरसों की खली और गुड़ मिला के रखा था इसमें ही डाल दो इसके अंदर, और छोड़ दो 2-3 दिन। डिकम्पोजर के अंदर भी 5 दिन छोड़ना है, भट्टी खाद में 10 दिन छोड़ना है, फास्फोरिक एसिड में कहीं नहीं छोड़ना है, तुरंत के तुरंत आधे घंटे के अंदर भी आप चला सकते हो। मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपका सारे प्रश्न का जवाब दूंगा। नंबर एक पे आपने भट्टी खाद से बनाना है, 10 दिन चाहिए। यूरिया को आप 7वें दिन बनाएं या 8वें दिन बनाएं, क्योंकि यूरिया उड़ जाएगा नहीं तो फिर, ठीक है। तो भट्टी खाद में मिला के उसको आप डाल दीजिए खेत में। दूसरा आपका नंबर आता है इसका, ये फास्फोरिक एसिड वाले का, इसमें हैंड टू हैंड भी चला सकते हैं 20 मिनट छोड़ने के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि हमें तो और अच्छी बॉन्डिंग टूट जाएगी, रात भर छोड़ दो, मेरा अपना अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव है। तीसरा आपका डिकम्पोजर, डिकम्पोजर बनने में 5 दिन लगेंगे, मदर कल्चर पहले निकाल लेना, वो मल्टीपल नहीं होगा। उसके अंदर सरसों की खली 5 किलो डिकम्पोजर के, और ये आपका जो बचा हुआ रसायन है आपका, ये 7 हिस्से करे थे हमने अपने खाद के, 7, 8 या 10 जो भी हों, एक हिस्सा लेकर डाल दो, आराम से छोड़ो, 4-5 दिन छोड़ दो, उसके बाद जो खेत में जाने दो पानी के साथ। तो ये 3-4 तरीके हैं, और फिर एक अपना सरसों की खल वाला हो गया, लास्ट में सरसों की खली जो हमने मिलाई थी और कच्चा गोबर और गुड़ वाला, अगर कुछ भी नहीं है तो उसके साथ मिला करके इसको 3-4 दिन छोड़, उसके साथ भी 3-4 दिन छोड़ दो, 3 दिन हो जाता है, हाँ, और फिर इसको खेत में जाने दो। इतने तरीके हो गए, आप बहाना नहीं मार सकते आप कि मैं कैसे दूँ। ये वीडियो आपकी चैनल पे आएगी, आप इसको घर लिख करके आपके सबके फेस आएंगे चेहरे उसमें, आराम से देखिएगा। और जब नहीं करो तो शर्म भी आएगी कि ये आदमी देवरिया में आके बता के गया बिजनौर से, और हम यार इतने बड़े निकम्मे के कर नहीं पा रहे इसको। इसको वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई 2-3 चीज़ें इसकी गन्ने की। अगर गन्ने में आपने ये खाद को हर महीने देना सीख लिया,
तीन महीने छोड़ के, बरसात के तीन महीने, आपको इसके जो परिणाम मिलेंगे बड़े अद्भुत होंगे। अगली बार आप उछल के, मतलब अरे यार वो राहुल भाई नहीं आ रहे क्या, वैसे वाली तरीके से आएंगे। अब करके तो देखो, आपको लोगों ने सही गाइडलाइन दिया नहीं, ये लगा दो बढ़ जाएगा, ये लगा दो ट्रिलिंग हो जाएगा। अरे यार ये तो सबके पास है, बोतल किसके पास नहीं है आज के तारीख में। लेकिन किसान को सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। दे रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, हजारों लोग हैं जो भारत में किसानों के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं के नाम से काम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। देश में 30% आदमी तो ऐसा हो जो सेवा भावना से लगे, तभी कोई भी राष्ट्र संपन्न होता है और वो आगे बढ़ता है। तो गन्ने का ये एक सिंपल सा मैंने आप लोगों को सूत्र बताया है। उसके अलावा एक सूत्र और है कि अगर आपकी टिलरिंग नहीं हो रही है, सबसे बड़ी समस्या होती है किसान की, किसान हमारी टिलरिंग नहीं हो रही, ये आपका गन्ने का पौधा है, ये आपका गन्ने का जो पौधा है अभी वो इतना ही है, 5-6 पत्ती का है। तो गन्ने की पत्ती जहां से निकली हुई है, ये गन्ने की पत्ती निकली हुई है, ये मेरा हाथ है, तो ये गन्ने की पत्ती निकली यहां से ऐसे। तो जहां से पत्ती निकली है वहां से एक उंगली का पत्ती छोड़ना है बस, और या तो उसको दराती से या हाथ से, और पानी नहीं देना उसके बाद उसको। ये तोड़ने से 4 दिन पहले पानी दे देना, फिर उसको पानी का स्ट्रेस दे देना है, फ्री में ड्रिलिंग हो जाएगी। करके देख लेना एक दो पेड़ों में, स्ट्रेस मतलब पानी नहीं देना, फिर उसको तड़पा देना है पानी के लिए। तो जब उसको लगेगा कि पत्तों से तो भोजन में बना नहीं पा रहा हूं, अब मैं मरने वाला हूं, तो वो अपने वंश को पैदा करेगा। वरना वो इतना मतलब ही होता है गन्ना कि अपने आप ही अकेला अकेला बढ़ जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता बच्चे बढ़े ना बढ़े। जब उसको लगेगा कि तू मरा, जब तक आप फिट हो ना यादव जी, शरीर में जान है ना, तो बच्चों के हाथ में बैंक अकाउंट देने वाले हो ना, बच्चों के हाथ में आप कुछ देने वाले। जिस दिन आपको लगा सांस नहीं आ रहा है, तो कहोगे सुनो पासबुक लेके आओ सालो जल्दी, ठीक है मेरे इतने पैसे इस अकाउंट में हैं, इतने मनोज शर्मा को दिए थे, इतने इनको दिए थे, डॉक्टर साहब को ले लेना जल्दी, लाल डायरी लाओ, मैं बताता हूँ कौन सा नंबर लिखा है। आप तब दोगे जब आपको लगेगा कि आप होने वाला है काम। तो गन्ना भी टिलरिंग तब देता है जब वो स्ट्रेस में आता है, और उसके साथ साथ आपकी जमीन का भुरभुरा होना बहुत जरूरी है। गन्ने के ऊपर आपके ट्रेंच में आधा से एक इंच से ज्यादा मट्टी नहीं होना चाहिए। ये सबसे जरूरी काम है जो किसान नहीं करता है। या तो गन्ना नंगा पड़ा रहेगा खेत में, या मिट्टी ज्यादा हो जाएगी। जहां पर भी आधा इंच के आसपास मिट्टी होगी, मतलब ये गन्ना जो पड़ा हुआ है, गन्ना आधा इंच ऊंचा है, गन्ने की जो मोटाई है ना वो आधा इंच की होती है, केवल गन्ना ढकना चाहिए बस। इससे ऊपर गया तो गड़बड़ है, इससे नीचे गया तो गड़बड़ है। जब हम गन्ना बुवाई के बाद ट्रेंच में पानी देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सारे गन्ने नंगे दिखाई दे रहे हैं, होता ही नहीं होता है, वो नंगा नहीं दिखाई देना चाहिए। तो मिट्टी को इज्जत से सम्मान के साथ उसके ऊपर आप डालें, आधा इंच काफ़ी है। और जैसे ही पहली ड्रिलिंग हो, मतलब ये थोड़ा गन्ना बढ़े 35 से 40 दिन के फेस में आए, तो फिर थोड़ी सी मिट्टी आधा इंच की फिर लगनी चाहिए, तो वरना ड्रिलिंग नहीं होगा। आधा आधा इंच का मिट्टी और गुड़ाई उसके बहुत जरूरी है उस समय पे। खरपतवार नाशकों का प्रयोग कम करने की कोशिश करें या ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे ट्रिलिंग भी प्रभावित होती है, पौधे पर तनाव आता है। तो ये जो हमने बताया इसको हम दराती से भी कर सकते हैं, अगर आदमी अनुभवी है तो दराती से खटाखट खटाखट तेज दराती करके खींचते चले जाओ उसको पत्तों को। ये आपके ट्रिलिंग का एक नमूना हो गया। बुवाई में ध्यान रखने वाली बात, ज्यादा से ज्यादा देसी, कटने के बाद पानी उसको देना है, उसको तरसा देना है, फिर पानी आपको महसूस हो जाएगा। हाँ, पानी देने के लगभग 4 दिन बाद, जब पानी सूखने लगे और गन्ना मजे में चल रहा हो, अगर आपसे अपने नाम जमीन करानी है बच्चों को, आपको एक झटका देना पड़ेगा कि इनको खाना पानी बंद करो, तब जाकर कहेंगे भाई ले लो। तो इसलिए गन्ना क्या है, जब उसको लगेगा कि आपने उसके पत्ते काट दिए तो वो भोजन तो बना नहीं रहे, तो लगेगा यार तू मरा, नीचे से पानी नहीं भी दे रहे, ऊपर से खाना नहीं मिल रहा है, तो मैं मरने वाला हूँ। अब वो नीचे जो उसकी कोशिकाएं हैं उनको कहेगा भैया जल्दी से प्रजनन करो, मेरे बस का नहीं है जीना, अब तो मैं तो गया। तो जब ये मरने वाला होगा, स्ट्रेस तनाव झेलेगा, जब ट्रिलिंग आपको दिखने लगे, फिर उसको कहो कि रुको रुको मरो मत, लो डॉक्टर साहब के पास चलो, फिर डॉक्टर साहब लाएंगे दवाई खाओ, फिर आप भी जिंदा बच्चे भी जिंदा।
मतलब ट्रिलिंग भी आ गई, ये भी गन्ना बनेगा। ये एक गणित है गन्ने का, उसको तनाव देना बहुत जरूरी है। हम तनाव, पपीता भी तनाव में चलता है, पपीते में ज़्यादा पानी दे दो चलेगा नहीं, केले में कम पानी दे दो चलेगा नहीं, स्ट्रेस आ जाएगा। केले को ज़्यादा पानी दे दो थोड़ा चलता है, कम दे दोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, उत्पादन ही गिर जाएगा आपका। तो ये गन्ने की मोटी मोटी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को करो, आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेंगे। ये तो हो गया गन्ने के ऊपर, किसी का गन्ने के ऊपर कोई कैसा भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। बीमारियों को, क्या क्या बीमारियां आती हैं आपके यहाँ पे गन्ने में? हम लोग यहाँ बीमारी वही एक मरमुरी आ जाता है, टॉबरर। हाँ, अगर आप ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटरजी मनी सोपले, ये हर जगह उपलब्ध हैं, सस्ते भी हैं, अगर आप इनको मिल जाएगा, मनोज जी दिलवा देंगे, अगर ये चीज़ें आप अपने खेतों में चलाते हैं तो कोई बीमारी नहीं आने वाली, ज़मीन से मजबूत होगा, सशक्त होगा। ये फिर भी आ जाती है तो हम आप लोगों को अंग्रेजी बता देंगे उस समय पे, अंग्रेजी दवाई कौन सी काम किस परिस्थिति में, क्या उस समय मौसम है, उसके हिसाब से कौन सी आपको लगेगी। हम लोग निःशुल्क बताते हैं, हमारा कोई पैसा वैसा नहीं है। और टॉप बोरर के लिए, टॉप बोरर की पीढ़ी आने से पहले फिटकरी और सेंधा नमक जरूर चलाएं, आधा से मतलब मान के चलिए कि 10 से 15 दिन पहले, आपको बहुत शानदार वाले रिजल्ट मिलेंगे। कम पैसों की चीज़ है, कच्चा गोबर अवश्य चलाएं खेतों में, बिल्कुल ना घबराएं कि दीमक आएगा वो आएगा, कुछ नहीं आता है। गुड़ और सरसों की खली बहुत ज़रूरी है, खेत में अलग ही कलर मिलता है। हमारे चारों तरफ बीमारियां लगी हुई हैं, हमारा 38 बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, किस कारण से? ज़मीन मजबूत है, हमने कर ली, वरना तो कार्बन तो 0.20 था जब हमारे हाथ में खेती आई थी। उसके साथ में भट्टी खाद बना के दें, मिट्टी का स्प्रे करें। अगर आपको खेत में कीड़े दिखाई दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार दवाई डालने का मन है, इल्ली आ गई, कुछ और आ गया, तो आप क्या करेंगे, 200 लीटर पानी पकड़ेंगे, उसके साथ में आप 200 ग्राम फिटकरी लेंगे, 1 किलो या 500 ग्राम गुड़ लेंगे, 50 से 100 ग्राम हल्दी लेंगे अगर है तो, नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और इसको, इसमें मेन है गुड़, फिटकरी, पानी, हल्दी ऑप्शनल अगर है तो ले लो। अब इसको आपने 2 दिन तक रख देना है खेत पे। सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी डालेंगे। मिट्टी कहाँ से डालेंगे, अपने 5 फीट गहरा खड्डा खोद लेना है अपने खेत पे। इस गड्ढे की ये जो दीवारें हैं, इनकी दीवारों के ऊपर से नीचे तक की ऐसे आप खुरपी रखेंगे, नीचे तक छीलते जाएंगे चारों दीवारों पे से, किसी से भी ले सकते हैं। पहले गड्ढा खोदा, मिट्टी बाहर निकाली, फिर उसकी दीवार की मिट्टी छीली, 20 किलो मिट्टी ले जाकर ड्रम में डाल दी, 100 ग्राम हल्दी डाल दी, 250 ग्राम फिटकरी डाल दिया, 1 किलो या आधा किलो गुड़ डाल दिया। अब बाल्टी उठाई और पानी भरना चालू, तो ये सब घुल जाएगा इसमें। 36 घंटे के बाद आएंगे, डंडे से चलाएंगे, घड़ी से 15 मिनट इंतजार करेंगे, और 15 मिनट के बाद ऊपर के पानी को गमछा लगाएंगे टंकी के मुँह पर डबल करके, इसको छानेंगे और सीधा स्प्रे करेंगे। कोई भी सब्जी की फसल हो, कोई भी कैसी फसल हो, अभी आपके देवरिया का एक किसान है, वो इसी उसमें है मोबाइल में वीडियो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसके कीड़े नहीं भाग रहे थे कद्दू के और टमाटर के, गायब हो गए मिट्टी के स्प्रे से। बोल रहे भैया मज़ा आ गया, कहाँ दवाई डाल डाल के मर गया, मैं मिट्टी के स्प्रे ने वो काम कर दिया। कीड़ा कभी भी मिट्टी नहीं पचा सकता, पत्ते के ऊपर मिट्टी की अगर लेयर बन गई और कीड़े ने अगर उसको खाया तो कीड़ों के अंदर लीवर क्या, वो गले से नीचे जाएगा ही नहीं। अब उसके सामने एक ही ऑप्शन है, छोड़ के भाग जा। तो हम हत्या क्यों करें जबरदस्ती जब मिट्टी का स्प्रे है तो? ये भी CVR रेड्डी साहब ने 2004 में इसका आविष्कार कर दिया था। भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, शायद अपने लालच में नहीं दिया होगा या क्या कर रहे होंगे मुझे नहीं पता, पर मुझे तो जहाँ भी मौका मिलता है ऐसे देवता समान आदमी की जो चीज़ अच्छी है उसको दुनिया तक पहुँचाने का फर्ज भी हम जैसे ही नई जनरेशन का है। तो ये मिट्टी का स्प्रे बहुत ज़बरदस्त कामयाब है। एक आप लोग दूध का स्प्रे कर सकते हैं 200 लीटर पानी में। अब वैसे तो कैल्शियम लेके आते हो दुकान पर से खरीद के, उसकी जगह में 200 लीटर पानी, 5 किलो दूध, 40 से 50 ग्राम हींग, और खाने वाला ग्लूकोज मिल जाए तो आधा किलो, ना मिले तो 1 किलो गुड़, और 100 से 200 ग्राम हल्दी, हैंड टू हैंड, हाथों हाथ, समय नहीं लगाना है, अंग्रेजी दवाई की तरह एकदम घोला, तुरंत ही छाना, सीधा फसल पर स्प्रे। एक और चीज, कभी भी अपने खेत में दोपहर को 9 बजे से लेके 2 बजे के बीच में खाद ना दें और स्प्रे ना करें।
बिल्कुल भी नहीं करना, धूप में उड़ जाता है, उड़ भी जाएगा और वो स्टोमेटा में फंसेगा नहीं। स्प्रे तो हमेशा शाम को करें, खाद आप सुबह दे सकते हैं और खाद भी शाम को दे तो बहुत बेहतर। कोई भी पौधा लगाएं आप, गन्ने का हो, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे वो केले का हो, उसको हमेशा दोपहर के बाद लगाएं। पूर्वाहन लगा दिया अगर आपने, तो पूर्वाहन अगर लगाया तो वो पौधे आप लगा के देखो ट्रायल करके, एक लाइन दोपहर के पहले लगाओ और एक लाइन दोपहर के बाद, दोनों लाइनें अलग ही रिजल्ट देंगी आपको। तो कभी भी बुवाई का जो समय आप निर्धारित करें, चांदनी रात होनी चाहिए, कोशिश करें कि चांदनी रात हो, ना हो तो अंधेरी में भी बोना पड़ता है, किसान की मजबूरी है, फिर लेट हो जाता है उसका चांदनी रात आते आते, लेकिन कोशिश करें कि चांदनी रात हो और आपका जो है ये दोपहर के बाद का समय हो। खाद पानी जो भी दें आप, देखो इसी में उत्पादन, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के 100% पहुँचती हैं, एकदम से 100% नहीं पहुँचता है। आज अगर आप 300 कुंटल ले रहे हैं तो इसको अगर 800 कुंटल लेके जाना है तो आपको बैलेंस पानी यानी कि ड्रिप चाहिए, आपको 10 के 12 महीने इसको खाद देना है, आपको इसको ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा देना है। एक और चीज़ है, अगर आप अपने खेत में 500 कुंटल का उत्पादन ले रहे हैं तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि आपको एक एकड़ में 200 कुंटल के आसपास यानी कि 4 से 5 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद डालना अनिवार्य है, वरना तो उत्पादन आ नहीं सकता, कुछ भी अंग्रेजी दवाई डाल लो। ये सूत्र को समझ लो आप, इसलिए गायों को भगाओ मत घरों से, इनको पालो, गोबर के आधारित ही खेती है, किसान और पशु पूरक हैं एक दूसरे के, इनके एक दूसरे के बिना इनका जीवन संभव नहीं है। हम लोगों को लगता है कि दुकान से हम ला करके खाद अगर डालेंगे उसी से हमारी खेती होगी, ऐसा नहीं है। हमें प्रकृति के साथ चलना, प्रकृति से अलग लोग नहीं हैं, हमने खुद को कर लिया प्रकृति से अलग। गाड़ी में एसी चलाएंगे, अरे यार गर्मी हमारा क्या बिगाड़ेगी, अरे भाई जब पेड़ ही नहीं होंगे तो एसी भी कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगा उसके अंदर, वो भी बंद हो जाएगी। अभी दुबई में देखा हम लोगों ने कितना बाढ़ आया, सब डुबो दिया तामझाम, जबरदस्ती कुदरत को लकड़ी कर रहे थे जी। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई जी, तो ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई ये समझ में आई, मुर्गी खाद बहुत ज़्यादा हीट होता है, आप एक एकड़ में एक बार में 50 किलो से ज़्यादा नहीं डाल सकते, और उसका डालने का ये इसी बढ़ा देता है, जर्मिनेशन को डाउन वो कर देता है डम। हाँ लेकिन पुराना मिलता नहीं है, किसान ताजा लाता है ताजा फेंकता है, डिकम्पोज करके, या तो आप फिर उसके ऊपर डिकम्पोजर डालिए, 1.5-2 महीने में डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसा डालेंगे तो वो भी अच्छा रिजल्ट देगा, गर्म होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है। हाँ अभी गन्ने को लेकर के आप लोगों का कोई सवाल, अगली बार आएंगे तो गन्ने पे एक बड़ा सेमिनार लेंगे 2-2.5-3 घंटे का, गन्ने पे ही बात करेंगे केवल, अभी तो चलते चलते वाली कहानी है, भागना है जल्दी। हाँ जी केला के ही बताते हैं, अभी गन्ने में कोई सवाल है तो आप पूछो आराम से भी हैं। हाँ इतने में से अगर आपने 50% फॉलो किया तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा जी जी। तो गन्ने के लिए कोई सवाल कहीं से भी हो, कोई गन्ने का किसान अगर पूछना चाहे तो। अब केले पे आए, चलिए राम राम।